हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपको मैं रिकॉल का 30 मिनट्स का एक वीडियो दिया था कि किस तरह से आप अपना रिवीजन कर सकते हो सिमेट्रिकल फॉल्ट एज वेल एज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, दैट इज़ द फॉल्ट एनालिसिस का जितना भी कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने कवर किया। और सिमेट्रिकल फॉल्ट का हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का गेट क्वेश्चन नहीं देखे थे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का गेट क्वेश्चंस देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास तक जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसको आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो। लास्ट 30 मिनट्स लास्ट क्लास का जो लास्ट लेक्चर का जो 30 मिनट्स का वीडियो था उसको आप ध्यान से देखो और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे अलग कुछ भी नहीं आने जा रहा है, ठीक है। और एक डाउट आपको हमेशा रहेगा, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एमवीए, जो कि मैं चार चार मेथड से सोल्व करके आपको दिखाया कि हाँ ये फॉर्मूला होगा। बहुत सारे बुक में आपको अलग फॉर्मूला मिलेगा और कोई बुक में अगर आप पढ़ोगे या फिर किसी के मटेरियल में पढ़ोगे तो अलग फॉर्मूला मिलेगा। अब बात ये होती है कि कौन सा करेक्ट है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उसका कोई भी हमें रेफरेंस नहीं मिला है जहाँ से मैं स्टडी करके आपको शॉर्ट सर्किट एमवीए का पूरा कॉन्सेप्ट दूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है जिससे मैं देखा तीन चार मेथड से अगर आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि एक मेथड गलत हो सकता है, दो मेथड गलत हो सकता है, तीन मेथड कैसे गलत हो सकता है, चौथा मेथड कैसे गलत हो सकता है, राइट। सो एमवीए मेथड से भी हम लोग शॉर्ट सर्किट एमवीए निकाले थे और सेम आ रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉर्मूला सही है जो भी हम शॉर्ट सर्किट एमवीए का निकाले हैं, दैट इज फोर लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड। इसका जो शॉर्ट सर्किट एमवीए का आपको फॉर्मूला मैं बोला हूँ जो कॉमन है, दैट इज़ इक्वल टू ए वन इन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई आई ए वन इन पर यूनिट, राइट। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए क्योंकि अगर हम इससे निकाल रहे हैं, फिर एमबीए मेथड से निकाल रहे हैं, फिर नॉर्मल मेथड से निकाल रहे हैं, तो आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं लेक्चर बनाया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एमबीए पे, वो कहीं भी मैं रेफरेंस नहीं लिया हूँ, किसी गूगल में भी मैं सर्च कर लिया, हर जगह सर्च कर लिया, कुछ रेफरेंस एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं तीन चार मेथड से शॉर्ट सर्किट एमबीए निकाल के देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये फॉर्मूला लगाने से शॉर्ट सर्किट एमबीए जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपका करेक्ट है या नहीं है ये मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आप देखेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो उसमें मैं तीन चार मेथड से शॉर्ट सर्किट एमबीए निकाला हूं, तो उससे अगर सेम आंसर आया दैट मींस कि करेक्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, बाकी इसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई नया फॉर्मूला मिला या कुछ भी ऐसा रिसर्च पेपर में हमें दिखा कि कुछ अलग आ रहा है या शॉर्ट सर्किट एमबीए निकालने का और क्या मेथड है, तो मैं इसमें वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा और उसको करेक्ट कर दूंगा अगर ये गलत हुआ तो, और अगर ये गलत नहीं हुआ तो मैं इसको जैसा है वैसा ही रहने दूंगा, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तीनों के लिए वैलिड होता है, तो आप इससे शॉर्ट सर्किट एमवीए निकाल सकते हो। ये आई ए वन जो है दैट इज द पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ करेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ करेंट इन पर यूनिट, ठीक है। अब इसी को अगर आप थ्री फेज बेस एमवीए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको शॉर्ट सर्किट एमवीए एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हम मेथड देखे थे, वो भी मेथड से आप निकालोगे तो सेम आता है, लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ इसका मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला है, बस ये मेरा खुद का एनालिसिस है। तो मे बी हम फ्यूचर में गलत हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं, तो ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप कमेंट कर सकते हो कि अगर हम तीन चार मेथड से बनाए हैं दैट मीन्स कि करेक्ट ही होना चाहिए या इनकरेक्ट होगा, तो आप हमें एक सॉल्यूशन दो जो इस चीज़ को वैलिड कर दे, तो फिर मैं उसको अपने वीडियो में करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये रही बात पूरे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का और सिमेट्रिकल फॉल्ट का। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एक गेट 2003 का क्वेश्चन है, एक 20 एमबीए 6.6 स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसका आपको एक्सजी दिया हुआ है, रिएक्टेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तीनों रिएक्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद न्यूट्रल ऑफ अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड विथ रिएक्टर ऑफ J0.05। न्यूट्रल जो है ग्राउंडेड है जिसका रिएक्टेंस जो है वो ऐसा है सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं है। इट इज़ कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग रिएक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस XT1, XT2 एंड XT0 दे दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस। उसके बाद बोल रहा है कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर्स हुआ कहाँ पे, जो अवे फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे, मतलब कि इसका अगर आप टोटल डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कुछ होगा, जनरेटर है फिर ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे
लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है। मैं पूरा क्वेश्चंस इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस पूरा ये बोर्ड भर जाएगा तो फिर क्या मतलब है ना। इसलिए मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इस तरह का एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है। ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सिक्वेंस रिएक्टेंस दे दिया है, जनरेटर का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सिक्वेंस रिएक्टेंस दे दिया है, और ये स्टार कनेक्टेड है विथ सम इम्पिडेंस xn इज इक्वल टू 0.05 J में इन पर यूनिट, ठीक है ऐसा कुछ है। ये आपका पूरा है और इसमें बोल रहा है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर हुआ तो आप बताओ फाइंड द वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि यहाँ पे जो वोल्टेज है स्टार कनेक्टेड जो अल्टरनेटर है इसका ये न्यूट्रल है और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है VNG वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पूरा एक 4-5 लाइन का ये क्वेश्चन था, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंस दे दिया है, दैट मींस कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा है और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी दे रखा है। तो अब आप बताओ ये आपसे क्या पूछ रहा है, न्यूट्रल टू ग्राउंड वोल्टेज। तो इसका अगर आप रिएक्टेंस बनाए होगे तो रिएक्टेंस में पॉजिटिव सिक्वेंस करेंट आपका न्यूट्रल में फ्लो करेगा क्या? अगर सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट न्यूट्रल में फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। नेगेटिव सीक्वेंस करंट न्यूट्रल में फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ करंट है जो न्यूट्रल में फ्लो करेगा? दैट इज द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट। और ये मैं आपको बार बार बोला हूँ अगर रिविजन कराया हूँ तब भी और जब पढ़ाया हूँ तब भी कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट ही न्यूट्रल में फ्लो करता है। तो न्यूट्रल करंट को हम क्या लिखते थे ऐसे आपको याद होगा, दैट इज आई थिंक 1/3 नहीं था, डायरेक्ट था IA प्लस IB प्लस IC, न्यूट्रल करंट ये था। और उसके बाद IA की वैल्यू डालते थे, IB की वैल्यू डालते थे, IC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो हमें फाइनली जो मिलता था दैट इज 3 times ऑफ IA 0। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल में जो करंट फ्लो करेगा वो ओनली जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, मतलब इधर जो करंट जाएगा वो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट जाएगा। तो अब बताइए वोल्टेज कितना होगा, IN मल्टीप्लाइड बाई ZN, और IN की वैल्यू कितनी है 3 times ऑफ IA0 मल्टीप्लाइड बाई XN। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो 3 times ऑफ IA0 मल्टीप्लाइड बाई इसका जो रिएक्टेंस है वो होगा। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, IA0। अगर हमारे पास IA0 मिल गया तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो आपको मैं बताया था लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में IA0 की वैल्यू जो थी वो IA1 इज इक्वल टू IA2 दैट इज इक्वल टू EA1 इन पर यूनिट अपॉन X1 इक्विवेलेंट प्लस X2 इक्विवेलेंट प्लस X0 इक्विवेलेंट, राइट? इक्विवेलेंट लिख दिए तो इसमें आपका न्यूट्रल इंपीडेंस भी आ जाएगा। अब देखिए X1 इक्विवेलेंट अगर हम इसमें निकालेंगे, मतलब कि पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस निकालेंगे, तो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस आपका जनरेटर का आएगा और ट्रांसमिशन का लाइन आएगा, ट्रांसमिशन लाइन का आएगा। तो X1 इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, XG1 प्लस XT1, राइट? XG1 की वैल्यू कितनी है 0.1 और XT1 की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये आ जाएगा आपका J0.2। उसी तरह से X2 इक्विवेलेंट भी सेम आ जाएगा, XG2 प्लस XT2, ये भी आपका J0.2 आएगा। उसके बाद X0 इक्विवेलेंट देखिए क्या आएगा, आपका X0 जो इसका जो होगा जनरेटर का वो होगा और इसका कुछ न्यूट्रल इंपीडेंस भी आएगा। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में इसका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट रिएक्टेंस का होगा ही और कुछ ना कुछ न्यूट्रल इंपीडेंस भी होता है, दैट इज 3 times ऑफ ZN। तो X0 प्लस 3 times ऑफ XN, ये तो आपका जनरेटर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस होगा। उसके बाद और आगे आप जाओगे तो ट्रांसमिशन लाइन का आप देखो, ट्रांसमिशन लाइन का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस कितना दिया है, तो ट्रांसमिशन लाइन का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस जो दिया है दैट इज J0.3 पर यूनिट। इसका मतलब इसमें और XT0 भी आ जाएगा। तो X0 की वैल्यू कितनी है आप देखो यहाँ पे, XG2 XG0 का वैल्यू J0.04 प्लस 3 times ऑफ XN, तो ये आपका ग्राउंड विथ रिएक्टर कितना है, XN की वैल्यू 0.05 है, दैट इज 3 times करेंगे तो J0.15 आ जाएगा, और XT0 कितना है 0.3। इसको आप निकालो, इट विल बी इक्वल टू आई थिंक 0.15
0.49। जी हाँ, तो 0.49 आपका x नॉट इक्विवेलेंट आ गया। अब जैसे ही आपके पास x1 इक्विवेलेंट हो गया, x2 इक्विवेलेंट आ गया, x नॉट इक्विवेलेंट आ गया, आप यहाँ पुट करोगे e1 जो होगा पर यूनिट में वो 1 पर यूनिट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो IA0 आपको मिल जाएगा। तो फाइनली आप IA0 निकाल लिए, IA0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.2 और 0.49, दैट इज J0.89। ठीक है, 0.4 प्लस 0.49 J0.89। अब आपको निकालना क्या है, IA0 जैसे ही मिला तो वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू, वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 बाय, सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 0.89 मल्टीप्लाइड बाई xn की वैल्यू बताइए J0.05, तो 0.05 ये आप निकालो, इट विल बी इक्वल टू, आई थिंक कितना आंसर है, दैट इज इक्वल टू 0.168 पर यूनिट। अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वो पर यूनिट में नहीं था, वो वोल्टेज में था। तो देखो, ये पर यूनिट में अगर हमको वोल्टेज मिल गया तो हम उसका एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज वी एन जी एक्चुअल जो होगा, दैट इज वी एन जी इन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई वी बेस। अब देखिए, यहाँ पे जो वी बेस है दैट इज 6.6 के वी, वो लाइन टू लाइन वोल्टेज है ना कि फेज वोल्टेज, तो हम बेस वोल्टेज या फिर पर यूनिट जो डिफाइन करते हैं वो पर फेज में डिफाइन करते हैं। यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो सीधे 6.6 ले लेते हैं जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, वी बेस की बात हो रही है, बेस वोल्टेज की बात हो रही है, पर फेज वोल्टेज कितना बेस है वो उसकी बात हो रही है, क्योंकि पर यूनिट जो डिफाइन होता है वो पर फेज में होता है। तो यहाँ पे वी बेस जो हम लेंगे 6.6 डिवाइडेड बाई रूट थ्री, तो ये हो जाएगा 0.168 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 के डिवाइडेड बाई रूट थ्री। अगर आप डिवाइडेड बाई रूट थ्री नहीं किए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, तो वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा और आप रॉन्ग हो, आपका आंसर जो आएगा वो गलत आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि कोई भी हम पर यूनिट में पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो पर फेज वैल्यू होता है, ना कि लाइन वोल्टेज। क्लियर हो गया? तो इससे अगर हम वी एन जी निकालेंगे तो फाइनली हमारा आएगा 642.8 वोल्ट। तो आंसर जो करेक्ट था वो 642.8 वोल्ट था, और इसमें मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री कर दीजिए, वो भी आंसर में आपको मिलेगा, मतलब ऑप्शन में वो मिलेगा, तो आप वो टिक करके आ गए। अगर आप लास्ट पूरा निकालने के बाद लास्ट में यहाँ पे आप लाइन वोल्टेज अगर बेस वोल्टेज में ले लिए तो वो गलत हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, इसलिए पावर सिस्टम में उनका जो सब चीज़ पढ़ के जाते हैं, सारा चीज़ आता है, उसके बाद भी आंसर जो निकलता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, मिस्टेक हो जाता है और आपका रॉन्ग हो जाता है। तो पूरा जो आप पढ़े हो, इतना मेहनत की हो, सब बेकार चला जाता है, क्योंकि गेट एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन इससे आ गया और वही आप गलत कर दिए तो पूरा जो 15 लेक्चर है वो बर्बाद हो गया। ऑल्दो आप नॉलेज गेन किए, लेकिन उससे रैंक पे कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि कब हम पर फेज में लेते हैं, कब लाइन वोल्टेज होता है। यहाँ हम लाइन वोल्टेज क्यों नहीं लिए, क्योंकि पर यूनिट इज ऑलवेज डिफाइंड इन पर फेज। तो वी एन जी पर यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, वी एन जी एक्चुअल अपॉन पर फेज बेस वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर फेज बेस वोल्टेज लेंगे, ना कि 6.6 लेंगे। तो 6.6 के बाई रूट थ्री कीजिए, 642.8 हो जाएगा। तो इसको आप पूरा नोट डाउन करो, नोट डाउन करके इस जगह पे आप जरूर लिख लो कि ये जो वैल्यू होगा वो पर फेज होगा। इसको आप रेड पेन से लिख लो, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमको पर फेज बेस वोल्टेज लेना है, ना कि लाइन वोल्टेज। डायरेक्ट अगर आप लाइन वोल्टेज ले लिए, खत्म। ठीक है, आपका पूरा बेकार हो जाएगा जितना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो। क्लियर हो गया? तो ये था एक 2003 का क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं और फिर उसको उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या फॉल्ट हो रहा है। तो सी द क्वेश्चन नंबर टू। ये क्वेश्चन जो है दैट इज गेट 2014 का क्वेश्चन है, और आप इसको ध्यान से देखो। दो जनरेटर कनेक्ट है, बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, दो फॉल्ट लोकेशन दिया है F1 और F2, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिया है IF1 और IF2 का, VF1 और VF2 का। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट टेक प्लेस एट फॉल्ट F1 एंड F2। ठीक है, फाइन। इफ फॉल्ट टेक प्लेस एट लोकेशन F1, अगर F1 पे फॉल्ट होता है थ्री फेज टू ग्राउंड, ऑल्दो ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का नहीं है, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट का है, थ्री फेज टू ग्राउंड बोल दिया ना, तो थ्री फेज या तो आपका ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड हो गया, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड ही को थ्री फेज टू ग्राउंड बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, इसमें कॉन्सेप्ट उससे कुछ लेना देना नहीं है, सीधे फॉल्ट भी अगर लिखा रहा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो, इफ फॉल्ट टेक्स प्लेस एट लोकेशन F1, यहाँ पे अगर फॉल्ट हो रहा है, देन वोल्टेज एंड करेंट एट बस ए, ये बस ए है, यहाँ पे वोल्टेज एंड करेंट जो है वो VF1 है और IF1 है, पहले ये बोला।
दूसरा बात, इफ फॉल्ट टेक्स प्लेस एट इफ टू, इस लोकेशन पे अगर फॉल्ट हो रहा है देन वोल्टेज एंड करंट एट बस ए इज वी एफ टू है और आई एफ टू है, और दोनों आई एफ टू और आई एफ वन का डायरेक्शन आपको दे दिया है क्वेश्चन में, मतलब कि इसी डायरेक्शन में करंट ये डिनोट कर रहा है। उसके बाद चार ऑप्शन दिया है, बोला है कि करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो वी एफ वन लीड्स आई एफ वन, वी एफ टू लीड्स आई एफ टू, मतलब लैगिंग लीडिंग हमको बताना है वोल्टेज एंड करंट में, ठीक है। तो इसको देखो, इसको कैसे हम लोग सोचेंगे, क्योंकि ऑल्डो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी वाली क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग इसमें नहीं हो रहा है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी फॉल्ट होता है तो करंट किधर फ्लो हो रहा है, लैग हो रहा है या लीड हो रहा है, ये सब चीज़ आपका कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। तो आपको मैं बताया था थ्री फेज फॉल्ट जब भी होगा, मान लीजिए ई एम एफ है और ये रिएक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है, थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट ले लो या लाइन टू ग्राउंड कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है फॉल्ट करंट, वो क्या होता था, फॉल्ट करंट इज इक्वल टू ई अपॉन ये रिएक्टेंस जे एक्स। तो ऑब्वियसली जो फॉल्ट करंट आता था वो माइनस जे कुछ मोड में आता था, इसका मतलब क्या है कि फॉल्ट करंट जो है वो लैग करता था। अगर प्योरली रिएक्टर हम ले रहे हैं तो माइनस 90 से लैग कर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, मतलब कि करंट इधर अगर फ्लो करेगा तो लैग कर रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें अगर आपको ये पता है कि रिएक्टर के वजह से करंट लैग करेगा जब भी फॉल्ट होगा, तो इसमें एक और केस बनता है कि अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो दिया हुआ है वो अपोजिट हो तो करंट का फेजर कैसा हो जाएगा। मान लीजिए करंट अभी हम इस सिचुएशन में देखें कि मान लीजिए वोल्टेज अगर इधर है तो करंट हमारा किधर आ रहा था, अगर यहाँ ईएमएफ है तो करंट हमारा जस्ट माइनस 90 डिग्री पे आ रहा था, कब, जब हम करंट का डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट पे रखे थे तब। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन को हम रोटेट करके बोल रहे हैं कि ऐसा करंट का डायरेक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में हमको इस नोटेशन, इस फेजर के अकॉर्डिंग करंट कैसा होगा, लीड होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, इसमें मान लेते हैं पहले फॉल्ट कहाँ हुआ, F1 पे, इस जगह पे अगर फॉल्ट होगा तो आप मुझे बताओ करंट यहाँ जनरेटर से किधर जाएगा, करंट इधर से आपका इधर जाएगा, ठीक है, सही है। इस जनरेटर से जो करंट होगा वो फॉल्ट हुआ तो इधर जाएगा, अब बताओ इस जनरेटर से जो करंट होगा वो किधर जाएगा, ऐसे करंट जाएगा इस साइड में, मतलब कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। तो बस ए पे एक्चुअल फॉल्ट करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर फॉल्ट लोकेशन यहाँ है तो, ठीक है। लेकिन फॉल्ट लोकेशन यहाँ है तो करंट आई एफ वन किस तरफ शो किया हुआ है, अपोजिट। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन शो कर रहा है उसके अपोजिट में ये करंट आपको मिलेगा, मान लीजिए इसका फॉल्ट आई एफ मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे और हम मान के चल रहे हैं कि पूरा रिएक्टर है, रेसिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बताओ अगर ई बी अगर आपका एट एन एंगल ऑफ डेल्टा है, मान लीजिए ये प्लस डेल्टा पे है, तो जो करंट आई एफ होगा वो कहाँ जाएगा, एग्जैक्टली 90, क्योंकि ई बी अपॉन टोटल यहाँ का रिएक्टेंस, रिएक्टेंस में जे टर्म आएगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 90, तो माइनस 90 पे आपका आई एफ करंट होगा, ठीक है। तो जब आई एफ करंट इधर होगा तो आप बताओ ये आई एफ इज इक्वल टू आई एफ वन तो है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन अपोजिट है, आई एफ आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेकिन जो नोटेशन है आई एफ वन का वो लेफ्ट टू राइट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई एफ वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एफ, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस ऑफ आई एफ का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन आई एफ वन का जो फेजर होगा वो एग्जैक्टली 180 डिग्री अवे फ्रॉम आई एफ होगा। तो आई एफ वन किधर हमको शो करना पड़ेगा, इस साइड, दिस इज आई एफ वन, ठीक है। तो आई एफ वन यहां आया, वी एफ वन यहाँ का बस वोल्टेज, तो ऑब्वियसली एंगल जीरो पे होगा क्योंकि हम बस को हमेशा वन एट एन एंगल ऑफ जीरो मानते हैं, तभी तो ई एम एफ एट एन एंगल ऑफ डेल्टा मिलता है, वहाँ ई एम एफ एट एन एंगल ऑफ डेल्टा मिलता है, मतलब बस वोल्टेज तो हमेशा जीरो पे होगा। तो ये अगर डेल्टा है तो बस वोल्टेज आपका कहीं पे होगा, आप अगर ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा मत रखो, ये अगर आपका ई एट एन एंगल ऑफ डेल्टा दिखाना है तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा। और आपको बस वोल्टेज बनाना होगा वी एट एन एंगल ऑफ जीरो, ये बस वोल्टेज है,
बस विथ रिस्पेक्ट टू बस वोल्टेज आपका IF जो होगा वो कुछ इधर आएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब एक एंगल कितना आएगा वो मैटर नहीं रखता है, वो तो आपको निकालना पड़ेगा ओवरऑल इक्वेशन से। लेकिन आप देखो जो V है, बस वोल्टेज है और IF1 है, दोनों में लैगिंग लेडिंग आप बताओगे तो खुद दिख जाएगा कि करेंट IF1 जो है वो लीड कर रहा है। समझ में आया? करेंट IF1 लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बस वोल्टेज। तो पहला केस जब फॉल्ट आपका 0.1 पे होगा तो IF1 लीड करेगा। तो ऑप्शन में देखिए IF1 लीड करेगा मतलब कि VF1 लैग करेगा। तो पहला आपका ऑप्शन VF1 लैग IF1, मतलब ऑप्शन सी हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन डी हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए अब फॉल्ट लोकेशन क्या है हमारा, F2 है। अब बताओ फॉल्ट लोकेशन अगर आपका F2 हो गया ये वाला, तो यहाँ पे इस जनरेटर से जो करंट निकलेगा वो ऐसे जाएगा और इस जनरेटर से करंट निकलेगा वो ऐसे जाएगा। तो आप देखो बस A पे जो करंट फॉल्ट करंट आपको मिल रहा है वो एक्चुअल करंट के सेम फेज सेम डायरेक्शन में है या नहीं। IF1 का जो हम करंट रिप्रेजेंटेशन किए हैं, फेजर ये आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन किए हैं, उसी डायरेक्शन में आपका फॉल्ट करंट भी फ्लो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि IF1 जिधर दिख रहा है उधर ही फॉल्ट करंट होगा। तो यहाँ पे अगर आप फेजर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो V अगर आपका एट एन एंगल ऑफ जीरो है एट बस A, तो करंट ये फॉल्ट करंट ऑब्वियसली लैग करेगा क्योंकि रिएक्टेंस है। तो फॉल्ट करंट को हम कुछ एंगल से लैग कराते हैं। अब डिपेंड करेगा कितना पे है, वो रिएक्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अभी दिख रहा है हमको कि 90 पे लैग करेगा, तो मान लीजिए 90 पे लैग किया, दिस इज IF, और IF1 भी किधर जाएगा, सेम क्योंकि IF1 का भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और फॉल्ट करंट भी हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो हाँ यहाँ देखिए आपका जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से, तो हम कह सकते हैं IF1 नहीं, एक्चुअल में IF2 हो रहा है ना। फॉल्ट लोकेशन F2 पे IF2 और VF2 की हम बात कर रहे हैं, तो IF2 क्या हो जाएगा, लैग कर जाएगा VF2 से। इसका मतलब क्या हुआ, VF2 लीड कर जाएगा F2 से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, इसमें कॉन्सेप्ट था कि आपको रिएक्टेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो ऑब्वियसली जो फॉल्ट करंट होगा वो लैग करेगा बस वोल्टेज से। इतना हमको समझ में आ रहा है। अब डायरेक्शन जो करंट का है जो दिया हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर डायरेक्शन करंट अपोजिट दिया हुआ है तो हमको लीड दिखाना पड़ेगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम दिया हुआ है फॉल्ट करंट के मतलब कि लैग करेगा। समझ में आया? तो यही कॉन्सेप्ट था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत को डाउट होता है, इसलिए मैं सोचा कि डिस्कस कर लेता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन आया था। तो इसमें जैसे थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट बोला, अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता तो तब भी हम कर सकते थे ना, क्योंकि आप कोई भी फॉल्ट लो उसमें रिएक्टेंस की वजह से करंट तो हमेशा लैग करेगा बस वोल्टेज से, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप नोटेशन दिखा रहे हो अपोजिट तो करंट लीड कर जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था और कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, अ सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज इन पर यूनिट आर गिवेन। तो ये लाइन वोल्टेज का सिमेट्रिकल कंपोनेंट दिया है, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज लाइन वोल्टेज। पॉजिटिव सीक्वेंस लाइन वोल्टेज दिया है और निगेटिव सीक्वेंस लाइन वोल्टेज दिया है। आप देखो VAB1 है, दैट मीन्स कि AB क्या है, लाइन, और 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव सीक्वेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ लाइन वोल्टेज x एट एन एंगल ऑफ θ1 दिया है एंड निगेटिव सीक्वेंस ऑफ लाइन वोल्टेज y एट एन एंगल ऑफ θ2 दिया है। मतलब ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट का आपको पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस लाइन वोल्टेज का दिया है और आपसे पूछ रहा है द फेज टू न्यूट्रल सीक्वेंस वोल्टेज क्या होगा। तो यहां पे आपको पूछ रहा है फेज वोल्टेज का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फेज वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VAN से। तो VAN1 x एट एन एंगल ऑफ θ1 प्लस 30, VAN2 y एट एन एंगल ऑफ θ2 माइनस 30, या फिर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इस तरह से। तो आप देखो आपको मैं बताया था कोई भी बैलेंस सिस्टम है, ऑब्वियसली हम सीक्वेंस नेटवर्क बना रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस हुआ या नेगेटिव सीक्वेंस हुआ, ये दोनों बैलेंस सिस्टम है, मतलब बैलेंस नेटवर्क हो गया। तो बैलेंस नेटवर्क में अगर आप मेरा नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर देखे होगे तो आपको पता होगा कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन होता था, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ कि फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाई √3। तो अगर लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड x है तो फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x/√3, ठीक है। उसी तरह से लाइन वोल्टेज का अगर मैग्नीट्यूड y है तो फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, y/√3। तो आप पहले मैग्नीट्यूड से चेक कीजिए, आपका दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन A एंड ऑप्शन B, ये दोनों आपका गलत हो गया।
तो ऑप्शन कौन कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसमें देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, डिवाइडेड बाय रूट थ्री हो गया फेज का। अब यहाँ पे बात हो रहा है कितना लैगिंग लीडिंग होगा इस पे, मतलब कि एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर आप हमारा नेटवर्क थ्योरी लेक्चर देखे हो, इंट्रोडक्शन टू थ्री फेज सर्किट, उसके बाद जो हम फेज सीक्वेंस बताए थे और फिर आपका फेजर डायग्राम बताए थे फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस एज वेल एज नेगेटिव सीक्वेंस, अगर आपको वो ध्यान में होगा तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये नेटवर्क का एक्चुअल में क्वेश्चन है, लेकिन इसको पावर सिस्टम में दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल कंपोनेंट और फोर्टेस्क्यू थ्योरम का बात कर रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर आप देखो तो ये नेटवर्क का क्वेश्चन है थ्री फेज सर्किट का। आप अगर थ्री सर्किट मेरा लेक्चर देखे होते तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये चीज आप निकाल लोगे। तो देखो अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस का पहले फेजर डायग्राम बनाए तो आपको मैं थ्री फेज सर्किट में बताया था नेटवर्क में पॉजिटिव सीक्वेंस का, और यहां भी बताया था कैसा वी ए एन वन, एन यही तो होता है, तो इसी को तो हम लोग वी ए वन लिखते थे, याद है फोर्टेस्क्यू थ्योरम में। तो वी ए वन मतलब कि लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज ही हम लिख रहे हैं, दैट इज वी ए एन वन। उसी तरह से वी बी वन किधर जाएगा, इधर, और वी सी वन किधर जाएगा, ये। तो ये हो जाता था हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस। अब नेगेटिव सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव सीक्वेंस कैसा होता था, वी ए टू ये हमारा न्यूट्रल, वी बी टू इधर आ जाता था और दिस इज वी सी टू, सही है। मतलब कि अगर बी और सी को हम चेंज कर देते थे तो हमें नेगेटिव सीक्वेंस मिल जाता था। तो अब देखिए यहाँ पे दिस इज लाइन टू न्यूट्रल, मतलब फेज वोल्टेज हम बनाए हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज अगर हमको बनाना होगा, मान लीजिए वी ए बी वन हमें बनाना है, तो वी ए बी वन क्या होगा, वी ए वन माइनस वी बी वन। तो वी ए वन इधर है, वी बी वन इधर, तो माइनस वी बी वन आपका इधर जाएगा, दिस इज माइनस वी बी वन, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी वी ए बी वन। तो देखिए यहाँ पे वी ए बी वन जो दिया हुआ है वो एक्स एट एन एंगल ऑफ थीटा वन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो एक साइड एंगल ऑफ थीटा वन है और ये एंगल जो होता है दैट इज 30 डिग्री बैलेंस्ड में। तो बताइए लाइन वोल्टेज से जो फेज वोल्टेज है वो लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, लाइन वोल्टेज लीड कर रहा है फेज से, मतलब फेज वोल्टेज लैग कर रहा है बाय 30 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना वी ए वन इज इक्वल टू वी ए बी वन बाई रूट थ्री, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और कितना से लीड कर लैग कर रहा है, माइनस 30 से, राइट। और वी ए बी वन कितना एंगल दिया हुआ है, थीटा वन, तो यहां अगर आप थीटा वन और फिर माइनस 30 तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, थीटा वन माइनस 30, क्योंकि इसका एंगल क्या है, थीटा वन, और इसका कितना इससे लैग करेगा, माइनस 30। तो दोनों को आप यहां पे ऐड कर दो तो थीटा वन माइनस 30 हो जाएगा, ये हो गया। तो वी ए वन जो है थीटा वन माइनस 30 ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। उसी तरह से वी ए एन टू भी आप निकाल के देख लो, तो वी ए एन टू में अब आपको वी ए बी टू निकालना है, तो वी ए टू इधर माइनस वी बी टू, माइनस वी बी टू आपका इधर आएगा, दिस इज माइनस वी बी टू, तो नेट जो फेजर होगा दैट इज वी ए बी टू इधर होगा, राइट। और ये आपका 30 डिग्री क्या हो रहा है, लीड कर रहा है फेज वोल्टेज। आप देखो फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब वी ए टू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी ए बी टू बाई रूट थ्री एट एन एंगल ऑफ, लीड किया ना प्लस 30 से लाइन से, तो प्लस 30 होगा। अब यहाँ पे वी ए बी टू का जो एंगल दिया है वो थीटा टू है, तो यहाँ एंगल थीटा टू आएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको एक एक साइड लिखेंगे एक, तो आ जाएगा थीटा टू प्लस 30, मतलब मैग्नीट्यूड जो है डिवाइडेड बाई रूट थ्री एट एन एंगल ऑफ थीटा टू प्लस 30। सो ऑप्शन सी आपको मिल गया। तो ये मैं आपको थ्री फेज सर्किट में पढ़ा रखा हूँ पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस दोनों का, आपको लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का रिलेशन, कब प्लस 30 होगा कब माइनस 30 होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको वहाँ पे पढ़ाया था। कंसीडरिंग कि फेज वोल्टेज का एंगल जो है वो जीरो है, लाइन वोल्टेज कितना लीड कर रहा है, यहाँ पे क्या है लाइन वोल्टेज का एंगल थीटा वन है, तो आपको फेज वोल्टेज निकालना है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो बिना पावर सिस्टम का फॉल्ट एनालिसिस पढ़े हुए, सिर्फ अगर आपको नेटवर्क आता है तो आप इसको डील कर सकते हो। इसलिए मैं बोला कि अगर आपको नेटवर्क में एक्सपर्ट हो तो इनडायरेक्टली नेटवर्क का क्वेश्चन जो आता है दैट इज 20 to 25 मार्क्स का आता है गेट एग्जाम में,
अगर आप एनालॉग सर्किट ले लो, अगर आप नेटवर्क थ्योरी ले लो 8 to 10 marks, उसके बाद एनालॉग सर्किट, फिर पावर सिस्टम, फिर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, फिर मेजरमेंट ले लो, ये सारे में आपका कॉन्सेप्ट आता है। मशीन ले लो, सारे में नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आता है। तो इनडायरेक्टली 20 to 25 marks का क्वेश्चन आता है, इसलिए नेटवर्क पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? तो ये एक क्वेश्चन था, गेट 2006 में आया था, तो मैं सोचा इसको आपसे डिस्कस कर लूँ। तो आज हम लोगों ने 3 questions देखा, नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो जुड़े रहिए जेनिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।